मिडल ईस्ट में जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसराइल हमास के बीच महीनों से जारी जंग अब तक खत्म होती नजर नहीं आ रही है। इसी बीच एक और जंग का खतरा बढ़ गया है। ईरान कभी भी इसराइल पर जवाबी हमला कर सकता है। ईरान यह हमला सीरिया में अपने एम्बेसी अटैक का बदला लेने के लिए करेगा। इसी बीच ईरान ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दे डाली है। ईरान ने अमेरिका को संदेश भेजकर चेतावनी दी है कि अगर वह अपनी सलामती चाहता है तो इस लड़ाई से दूर रहे। दरअसल ईरानी राष्ट्रपति के राजनीतिक मामलों की डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी ने एक्स पर इजरायली प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए लिखा, एक लिखित संदेश में ईरान ने अमेरिका को नेतन्याहू के जाल में न फंसने की चेतावनी दी है। अमेरिका को अलग हट जाना चाहिए ताकि लड़ाई की आंच आप तक न आए। जमशीदी ने आगे कहा है कि वॉशिंगटन ने जवाब में ईरान से अमेरिकी ठिकानों पर हमला नहीं करने को कहा है। हालांकि ईरान के भेजे इस संदेश पर अमेरिका की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की चेतावनी के बाद अमेरिका अलर्ट हो गया है। एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका क्षेत्र में इजरायली या अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ ईरान की तरफ से महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया की तैयारी कर रहा है। वहीं दो अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जो बाइडेन प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित है कि इजरायल के अंदर सैन्य या खुफिया ठिकानों के खिलाफ हमला हो सकता है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिका के एक असामान्य कदम के बारे में बताया है, जिसमें बाइडेन प्रशासन ने ईरान को सीधे सूचित किया है कि उसे दमिश्क में सोमवार को हुए हमले के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। ये जाहिर करता है कि अमेरिका को ईरान की तरफ से बड़े जवाब की आशंका है और इसे अमेरिका के मध्य पूर्व में अपनी सेना और ठिकानों पर हमले की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान की एम्बेसी को एक हवाई हमले में ध्वस्त कर दिया गया। इसमें ईरान की एलीट फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के टॉप जनरल मोहम्मद रेजा जहेदी और उनके डिप्टी की मौत हो गई थी। ईरान ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार बताते हुए उस पर जवाबी हमले की चेतावनी दी, साथ ही कहा कि इसका समय वह खुद तय करेगा। हालांकि यह साफ नहीं है कि ईरान क्या इसराइल पर सीधे हमला करेगा या लेबनान में स्थित हिजबुल्ला जैसे किसी प्रॉक्सी संगठन के जरिए इसराइल को जवाब देगा। अब अगर ईरान हमला करता है तो इसराइल हमास युद्ध बड़े संघर्ष में बदल जाएगा और मिडल ईस्ट जहां पहले से ही जंग के आग में झुलस रहा है, वहां इसके चलते हालत और भी बदतर हो सकते हैं।